के जनपद मुरादाबाद के जिला थाना क्षेत्र के ग्राम चौधरपुर में बीते 4 सालों से लगातार भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के अंतर्गत आज वाल्मीकि धर्म समाज के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने मिलकर ग्राम चौधरपुर में वाल्मीकि प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में ढोल नगाड़ा डीजे और बारात के साथ शोभा यात्रा निकाली, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और ग्राम सचिव दीपक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारे यहाँ वाल्मीकि महर्षि जयंती का आयोजन किया जा रहा है और यह हमारी पंचम वाल्मीकि शोभा यात्रा है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह मनाया जा रहा है। पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसके बाद स्टेज शो का कार्यक्रम किया जाएगा। इस शोभा यात्रा समिति में सभी ग्राम वासियों का सहयोग रहता है, साथ ही साथ सभी साथी मिलजुल कर शोभा यात्रा को निकालते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विजय कुमार, ग्राम प्रधान ठाकुर सुनेपाल सिंह, विशाल, शोभित, दीपक सहित आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम दीपक कुमार है। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज यहाँ पर वाल्मीकि महर्षि जयंती का आयोजन किया जा रहा है और ये पंचम हमारी वाल्मीकि शोभा यात्रा है और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है। कितने समय तक लगभग शोभा यात्रा है? हमारा प्रोग्राम लगभग 10 बजे तक पूरे ग्राम में झांकियों के आयोजन रहता है और उसके बाद हमारा स्टेज प्रोग्राम होता है। क्या मेन उद्देश्य है शोभा यात्रा? मेन उद्देश्य हमारा यही है कि पूरे ग्रामवासियों का सहयोग रहता है इस पूरे शोभा यात्रा समिति में और इस पूरे प्रोग्राम को हर्षोल्लास से मनाया जाता है और सभी का सहयोग रहता है। और इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी ग्रामवासी इसका सहयोग करें और देश में अखंडता का एक माहौल बने। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? ये वाल्मीकि प्रकटोत्सव के उपरांत हम शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। कितने समय से किया जाता है ये? पिछले 4 वर्षों से किया जा रहा है, ये पाँचवीं शोभा यात्रा है। तो कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें लगभग 150 से 200 लोग शामिल हो रहे हैं और सर्व समाज का सहयोग रहता है इसमें। क्या उद्देश्य है शोभा यात्रा का? इस शोभा यात्रा का यही उद्देश्य है, हम शोभा यात्रा के जरिए सर्व समाज को संगठित करने की कोशिश करते हैं और शिक्षित और संगठित रहने का ही संदेश देते हैं।